स्वागत है आप सभी का टेक अपडेट्स के एक नया फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी उनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी उनसे जुड़ी हुई चीजों में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक, आइए जानते हैं। कई शुरुआत करते हैं इस वीक के सबसे बड़ी अपडेट के साथ। इस वीक जो सबसे बड़ी अपडेट हुई वो हुई मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने लॉन्च किया अपना एक फ्लैगशिप डिवाइस मोटो एज प्लस और मोटो एज। मोटोरोला बहुत दिन बाद फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कैटेगरी में कोई फोन लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मोटोरोला क्या कुछ ऑफर करता है अपने इस फोन के साथ। गाइज, अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ये है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर दिया गया। अब यह आता है 12GB रैम के साथ, वो भी रैम की जो क्वालिटी है वो है DDR5 मेमोरी, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। स्टोरेज इसमें मिलती है 256GB की। कैमरा इसमें दिया गया 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको इसमें बैक में देखने को मिलेगा, है बहुत ही कमाल का गाइस, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा फ्लैगशिप डिवाइस में अभी तक कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा OnePlus के 8 सीरीज के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्राइस के मुकाबले में कितना ज्यादा टिकता है, क्योंकि OnePlus की स्ट्रेटजी हमने देख ली है। उन्होंने जब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किया था तो उसकी प्राइसिंग रखी थी $1000, और जब इंडिया की प्राइसिंग की बात आई तब उन्होंने अपने डिवाइस की प्राइस को ₹50,000 कर दिया। यानी कि एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देखने मिला प्राइसिंग में, और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड स्ट्रेटजी भी देखने मिला मार्केटिंग के लिहाज से। यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि मोटोरोला क्या करता है। मोटोरोला की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इन्होंने जो अपनी प्राइस को रखा है $999, जो कि लगभग $1000 होती है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मोटोरोला इंडिया में भी अपने प्राइस को कुछ इस तरीके से रखता है। गाइस, अगली जो अपडेट आई वो आई फेसबुक की तरफ से। यहां पे फेसबुक ने परचेस किया है रिलायंस प्लेटफॉर्म में अपना एक स्टेक। ये एक माइनॉरिटी स्टेक है गाइस। यहां पे फेसबुक ने परचेस किया 9.99% विथ अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ 43,000 crores। अब यहां पे बहुत लोग सवाल भी उठा रहे कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटिक एक्विजिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो मैंने 2 वीक पहले ही इस अपडेट के बारे में बताया था कि फेसबुक अभी जियो के साथ बात कर रहा है और कुछ स्टेक्स फेसबुक जरूर खरीद सकता है एक नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। यहां पे फेसबुक और जियो का एक कॉमन इंटरेस्ट है। जियो को अब टेक्नोलॉजी मार्केट में ग्रो करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी ही है जो राज करेगी, और रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है और धीरे धीरे अपने बिजनेस को शिफ्ट करने पे लगी है थ्रू जियो प्लेटफॉर्म्स। तो गाइज, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को चाहिए एक एक्सपर्ट कंपनी का सपोर्ट, जो कि फेसबुक के पास पहले से है, और फेसबुक को चाहिए इंडिया में एक ऐसी कंपनी का साथ जिसके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, और जियो के पास आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। और इसी के मद्देनजर फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म्स में और परचेस किया है अपना 9.99% का शेयर। तो माइनॉरिटी परचेस का या माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कोई कंट्रोल डायरेक्टली नहीं होता है किसी भी कंपनी में, तो ये एक बात ध्यान रखने वाली बात है। जो अफवाह फैला रहे हैं उनको ये चीज नहीं करना चाहिए। आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि सॉफ्टबैंक आज के तारीख में वर्ल्ड में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है स्टार्टअप्स के फील्ड में, पर यहां पे फेसबुक का ये इन्वेस्टमेंट फेसबुक को इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना देता है स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करने के मामले में। गाइस, अगली जो अपडेट आई हुआ है एप्पल की तरफ से। यहां पे एप्पल का जो नया फोन निकला था iPhone SE, उसके बारे में एक मेजर इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि iPhone SE में जो प्रोसेसर लगा है Apple A13, ये प्रोसेसर आपको अगर ध्यान होगा तो iPhone 11 और 11 Pro में भी यूज किया गया है। अब यहां पे लोगों को लग रहा था परफॉर्मेंस उनको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है वो ये बताती है कि एप्पल ने ये जो प्रोसेसर है Apple A3, इसको डाउन क्लॉक किया है और कम प्रोसेस पे लाके रख दिया। इसका मतलब यह है कि iPhone 11 जितनी स्पीड से जितनी सारी चीजों को प्रोसेस कर सकता है, iPhone SE ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक मेजर चीज है, और जाहिर सी बात है इसकी जो इंडियन प्राइसिंग अगर डॉलर से कन्वर्ट करें तो वो आ रही है 30,000 के आसपास। अब 30,000 में iPhone इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रिक था, ये सबको वेट था कि क्या है क्या है, और ये बात निकल के आई अभी कि जो प्रोसेसर उसमें लगा है वो नया तो है लेकिन उसे डाउन क्लॉक किया गया है। अगला जो अपडेट है वो YouTube की तरफ से। यहाँ पे YouTube ने अपने नए 11 YouTube Originals को अनलॉक कर दिया है, यानी कि बिल्कुल ही फ्री कर दिया है यूजर्स के लिए। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया में कब तक आता है, लेकिन YouTube ने फिलहाल के लिए 11 YouTube Original कंटेंट्स को बिल्कुल ही फ्री कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रहना पड़ रहा है घर में लॉकडाउन के कारण। तो यहाँ पे अलग अलग जितने भी स्ट्रीमिंग कंपनीज है, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो कुछ ना कुछ अपने यूजर्स के लिए कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में YouTube ने अपने 11 YouTube Original कंटेंट्स को कर दिया है बिल्कुल ही फ्री।
फ्री अपने यूजर्स के लिए। गाइस अगली जो अपडेट निकल के आई हुआ है एप्पल की तरफ से, यहाँ पे अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2021 तक मैकबुक जो एप्पल का एक प्रोडक्ट है लैपटॉप्स का, वो आएगा एप्पल के खुद के प्रोसेसर के साथ। अभी तक वो इंटेल के प्रोसेसर के साथ आता है, अब वो आएगा एप्पल के खुद के प्रोसेसर के साथ। दोस्तों अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एप्पल बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है एक लैपटॉप और एक कंप्यूटिंग प्रोसेसर बनाने की। लगता है कि अब A14 जो प्रोसेसर है जो नया आईफोन में आने वाला है उसके साथ एप्पल को एक एज या कामयाबी हासिल हुई है कि उस प्रोसेसर को वो लैपटॉप में यूज़ कर सकता है। अब देखना पड़ेगा कि इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस क्या रहती है, अभी तक वो सामने नहीं आई है। पर 2021 तक मैकबुक जो आपको मिलेगा वो एप्पल के खुद के प्रोसेसर के साथ मिलेगा, ये न्यूज़ एप्पल की तरफ से अभी निकल के आई है। गाइस अगली जो अपडेट निकल के आई वो है गेमर्स के लिए, यहाँ पे GTA 6 सीरीज की एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई। यहाँ पे GTA 6 के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि GTA 6 का जो स्टोरी लाइनअप का काम वो पूरा हो गया है, लेकिन इस गेम को लॉन्च होने में अभी भी वक्त है। इस गेम की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो अब बढ़ के हो चुकी है 2025 से 2026 ड्यू टू दिस पेंडेमिक क्राइसिस। पर फिलहाल के लिए जो मेजर अपडेट है वो यही है कि GTA 6 की जो स्टोरी लाइनअप है वो कंप्लीट हो गई है। और GTA का गेम अगर आपने कभी खेला है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है गेम प्ले में वो उसकी स्टोरी लाइनअप ही होती है। स्टोरी बहुत ही कमाल की होती है। अगर आपने कोई भी एक GTA का कोई भी गेम पूरी तरीके से कंप्लीट किया तो आपको पता लगा होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। और यहाँ पे बताया गया कि GTA 6 की स्टोरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। गाइस अगली जो अपडेट आई हुआ है Asus की तरफ से, यहाँ पे Asus के यूजर्स मोर स्पेसिफिकली Asus Zenfone Max Pro M2 के यूजर्स को अब Android 10 रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। Android 10 का सपोर्ट Asus अभी अपने M2 यूजर्स को दे रहा है। Asus ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो दो मेजर अपडेट्स लेके आएगा अपने यूजर्स के लिए, और ये दूसरा मेजर अपडेट है। पहला 9 मिल चुका है, अब ये दूसरा मेजर अपडेट है Asus के यूजर्स के लिए जहां पे वो अपडेट पुश कर रहे हैं Android 10 की। गाइस अगली जो अपडेट आई वो आई Apple की तरफ से, यहां पे Apple ने इस वीक बनाया अपना अकाउंट TikTok पे, और अकाउंट बनाने के साथ ही साथ Apple के फॉलोअर्स हो गए 3822। गाइस Apple बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहता है अपनी मार्केटिंग को लेके, और यहां पे वो बिलीव नहीं करता है अलग-अलग तरीके स्पोंसरशिप्स की। वो डायरेक्ट ही कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है अपने यूजर्स के साथ। तो इसी सीरीज में Apple ने बनाया TikTok पे अपना अकाउंट टू प्रमोट एंड गेट More customers for their product। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक important update थी, क्योंकि TikTok पे बहुत पहले से ही ये एक allegation लग रहा है कि वो data की चोरी करता है या फिर data को गलत तरीके से use करता है। लेकिन ऐसे में Apple का TikTok पे account बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये TikTok के लिए एक major achievement भी है। तो गाइस इस वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 5000 के लैंडमार्क को क्रॉस करने वाले हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। मिलता हूं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।